नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। खेलों का महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक 2020 खत्म हो गया है और भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की घर वापसी हो गई है। सभी पदक वीरों के लिए अशोका होटल में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया जो फिलहाल चल रहा है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं जो किसी भी ओलंपिक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इसमें पहले भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीते थे। वीरों का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत देखने योग्य रहा, जहां भारत की धरती पर कदम रखते ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया और इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ सभी पदक वीरों को अशोका होटल ले जाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का भव्य स्वागत हुआ। लोगों का हुजूम नीरज को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इतना ही नहीं, नीरज के समर्थकों की भीड़ भी इतनी बढ़ गई कि वो खुद से वहां से नहीं निकल पाए और इस दौरान सभी लोगों ने नीरज के साथ सेल्फी भी ली। अशोका होटल पहुंचने पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पुरुष और महिला हॉकी टीम ने केक भी काटा और इस दौरान सभी खिलाड़ी बेहद खुश दिखाई दिए और जमकर जश्न भी मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को समुद्री सुरक्षा के विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से आयोजित ओपन डिबेट की अध्यक्षता की और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी यूएनएससी की ओर से आयोजित किसी अहम बैठक की अगुवाई करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। यूएनएससी की ओर से आयोजित ओपन डिबेट के अपने अध्यक्षीय संबोधन में पीएम मोदी ने समुद्र को इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज हमारी साझा धरोहर को कई प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पड़ोसी पायरेसीज और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है और अनेक देशों के बीच समुद्री विवाद भी है और जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं भी मैराटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं। पीएम मोदी ने समुद्रिक धरोहर की सुरक्षा के लिए साझा फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया। सभ्यता हजारों साल से फ्री मैराटाइम ट्रेड से जुड़ी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था। प्राचीन समय के फ्री मैराटाइम ट्रेड के दौर में भगवान बुद्ध का शांति संदेश पूरे विश्व में फैल गया था। उन्होंने सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर का भी विजन दिया। सोमवार को भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, हालांकि इस पर चर्चा नहीं हुई। दूसरी ओर वित्त मंत्रालय से जुड़े कई बिल लोकसभा में पारित किए गए।
हालांकि लोकसभा की कार्यवाही ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में भी यही हाल रहा। एक बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए वोटिंग भी कराई गई, जिसमें विपक्ष पिछड़ गया। बाद में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और इस बीच बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया और सदन में मौजूद रहने को कहा। संसद के मौजूदा सत्र में विपक्षी दल लगातार पेगासस जासूसी का मुद्दा उठा रहे हैं और सरकार से चर्चा की मांग कर रहे हैं। संसद में इस मसले पर चर्चा तो अभी तक नहीं हो पाई है और इस बीच इस विवाद से जुड़े एक सवाल का जवाब राज्यसभा में दिया गया। राज्यसभा में रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक लिखित जवाब में बताया कि एनएसओ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मंत्रालय का कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। बता दें कि एनएसओ ग्रुप वही इजरायली कंपनी है जिसके स्पाईवेयर पेगासस की मदद से जासूसी के आरोप लगाए जा रहे हैं और संसद में विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में संविधान विधेयक 2021 पेश किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से बिल पास हो गया है। विपक्षी पार्टियां भी इस विधेयक का समर्थन कर रही हैं। ये बिल राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगाई थी और इस संशोधन की मांग कई क्षेत्रीय दलों के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी नेताओं ने भी की थी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यह बिल संसद में पेश किया जाएगा, ये कहा गया था। और मई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल केंद्र का यह अधिकार है कि वो ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार कर सके। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पंजाब में सीमा से सटे एक गांव में ड्रोन से हथियार गिराए गए हैं। हालांकि गांव वालों की मुस्तैदी से एक बड़ा खतरा भी टल गया। पंजाब पुलिस ने इन हथियारों को बरामद कर लिया है। कहा जा रहा है कि अलग अलग थैलियों में आईईडी, हैंड ग्रेनेड और कारतूस भेजे गए थे। ये सारे हथियार ड्रोन से गिराए गए। घटना के बारे में पंजाब डीजीपी दिनकर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अमृतसर से रविवार शाम को रूरल एरिया में हैंड ग्रेनेड और टिफिन बॉक्स में आईईडी और कारतूस बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों के टिफिन बॉक्स में आईईडी बम फिट किया गया था। पाकिस्तान सीमा से सटे डलीके गांव से आईईडी बम और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने मुताबिक इस ड्रोन के माध्यम से बैग में भेजा गया था, बैग में हथियारों का जखीरा था। जानकारी के मुताबिक इसमें 5 हैंड ग्रेनेड, 109 mm कारतूस और टिफिन बम मिले हैं। आईईडी बम में 2 किलो आरडीएक्स लगाया गया था। स्विच के जरिए टाइम बम बनाया गया था। मैग्नेट लगाकर बम को ऐसा बनाया गया था कि बम की मिसहैंडलिंग करने पर धमाका हो सकता था। बहराइच के मोटेरा थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश मनीराम उर्फ मनी को गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी मोटेरा इलाके के कोरियन पूर्वा में हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शातिर अपराधी को धर दबोचा। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसको लेकर इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया। आपको ये भी बता दें कि शातिर अपराधी मनीराम उर्फ मनी पर 37 गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। बताते चले कि ये गिरफ्तारी मटेरा मोतीपुर थाने की पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है।
हापुड़ में थाना देहात क्षेत्र के गांव धनोरा में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सीओ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और प्रतिबंधित पशुओं के अवशेषों को एक जगह इकट्ठा करवाकर उनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि ये प्रतिबंधित पशुओं को कौन लाया था और किसने इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के लिए बता दें कि जनपद में आए दिन कहीं ना कहीं प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिल रहे हैं, जिसको लेकर जनता में आक्रोश बना हुआ है। भारत बचाओ दिवस के मौके पर हरियाणा के फरीदाबाद में बढ़ती महंगाई के विरोध में आशा वर्कर सर्व कर्मचारी संघ और अन्य ट्रेड यूनियन के नेताओं ने फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसी भी तरह से अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी मौके पर बुलाया गया। इस मौके पर कर्मचारी नेता बालकृष्ण बाल गोहेर ने कहा कि जिला उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को भेजा गया, जिसमें लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई को कम करने की मांग की गई थी, लेकिन महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम टाउन हॉल देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों के प्रांतीय सम्मेलन और श्रद्धांजलि सभा के प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान घोषणा की कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दी जाने वाली कुटुंब पेंशन का नाम बदलकर सम्मान पेंशन किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को कभी नहीं बुलाया जा सकता। सेनानियों के आश्रितों को सरकार द्वारा हर संभव सहायता देने का प्रयास भी किया जाएगा। जिन उद्देश्यों के लिए देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, आज उन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं काबुल के अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच आतंकियों ने जजवान प्रांत की राजधानी शेबर्न शहर पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के हटने के बाद से तालिबान लगातार देश में पैर पसार रहा है और अब तक कई क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका है। गजवान प्रांत की राजधानी शबरगंज शहर पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान ने जनरल अब्दुल रशीद तौसत्तम की जेल से 700 पुरुषों और 30 महिलाओं को रिहा कर दिया है। इसके साथ ही तालिबान और अधिक क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में करने के लिए आगे बढ़ रहा है। के सबसे बड़े टायरों के कब्रिस्तान में आग लग गई है। रेतीली मिट्टी खोदकर बनाए गए एक विशाल गड्ढे में करीब 70 लाख टायर हैं। 6 एकड़ में फैली यह जगह आग की चपेट में आ गई है और यहां से उठ रहे धुएं को अंतरिक्ष में भी देखा जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी ये अग्निकांड रिकॉर्ड हुआ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं देश दुनिया के तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में।
दसन की रिपोर्ट के अनुसार सुलेबिया के इस टायर भंडार को टायरों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। माना जाता है कि ये टायर कुवैत और दूसरे देशों के हैं जिन्होंने इन्हें ले जाने के लिए भुगतान किया है। डिस्पोजल की जिम्मेदारी 4 कंपनियों को दी गई थी। वहीं आग लगने के बाद अब ऐसे दोषशील पदार्थों को एक देश में जमा करने पर सवाल उठ रहे हैं। हिंद महासागर के अनंत विस्तार के बीच एक सोने से टापू पर भारत का खुफिया नौसैनिक अड्डा। इस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल भारत समुद्र में अपनी ताकत, रुतबा और वर्चस्व बढ़ाने के लिए करने वाला है। कुछ दिन पहले कतर स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल अल जजीरा ने अपने रिसर्च के आधार पर यह दावा कर समुद्र में भारत की दमदार सैन्य मौजूदगी का इशारा किया है। अल जजीरा ने दावा किया है कि भारत मॉरिशियस से 1100 किलोमीटर दूर अगालेगा द्वीप में अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है और इस संस्थान ने सैटेलाइट इमेज मौके पर चल रही निर्माण गतिविधियों के आधार पर दावा किया है कि यहां तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। यहां भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई पट्टी बना रहा है ताकि कोई भी जहाज आसानी से उतर सके। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी सोमवार को कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 23वें दिन कीमतें स्थिर रखी हैं। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा था कि कीमतों में कमी की जा सकती है। क्रूड की कीमतों में नरमी को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम घटने की उम्मीद भी जता रही थी। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपए और डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में इस हफ्ते कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिला है। रविवार को भी देश भर में पेट्रोल और डीजल के भाव स्थिर रहे। मई के बाद से लगातार बढ़ रही पेट्रोल की कीमतों में 22 दिनों में तेजी नहीं देखी गई थी। वहीं पिछले 42 दिनों में कीमतों में तेजी की बात करें तो पेट्रोल लगभग 11.52 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। डीजल 9.08 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत दरों की उम्मीद से पहले बढ़ाए जाने के डर ने बुलियन मार्केट में हलचल मचा रखी है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना गिरकर अपने 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसके चलते सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर में जबरदस्त गिरावट दिखाई दी। सोना आज 1% से ज्यादा गिर गया है। वहीं सिल्वर में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम पर 4628 रुपए, 8 ग्राम पर 37024, 10 ग्राम पर 46280 और 100 ग्राम पर 4,62,800 रुपए चल रही है। अगर प्रति 10 ग्राम देखें तो 22 कैरेट सोना 45,000 पर है। वहीं वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमर्स को काफी बेनिफिट्स दे रहा है। वोडाफोन आइडिया ने इन ऑफर्स के जरिए अपने कस्टमर्स बेस को भी बढ़ाना चाहता है। टेलीकॉम सेक्टर में अभी काफी ज्यादा कंपटीशन है और इस वजह से ये अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के साथ साथ अपना बनाकर भी रखना चाहता है। इसके लिए एक नए प्रीपेड प्लान को लॉन्च किया गया है। वोडाफोन आइडिया ने 449 रुपए का प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है और इसमें कंपनी ने अपने पुराने ऑफर्स प्लान से डबल डेटा देने का ऐलान किया है। यानी अब इस प्लान में अब यूजर्स को 2 GB नहीं बल्कि 4 GB डेली डाटा दिया जाएगा। डबल डेटा के अलावा इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल और रोज 100 SMS भी यूजर्स को दिए जाएंगे और इस प्लान के साथ वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप प्रीमियम का भी 1 साल का सब्सक्रिप्शन यूजर्स को फ्री दिया जाएगा।
बॉस के फैंस का इंतजार खत्म हो चुका है। सबसे बड़े और हिट रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी का आगाज हो चुका है। शो में एंटरटेनमेंट का डोज देखने के लिए फैंस तैयार हैं। शो में सभी मेल और फीमेल कंटेस्टेंट ने एंट्री कर ली है। रियलिटी शोज में अपने दमदार इमेज दिखाने के बाद प्रतीक सहजपाल भी बिग बॉस ओटीटी में शामिल हुए हैं। प्रतीक सहजपाल ने शो में आते ही दूसरे कंटेस्टेंट्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। प्रतीक ने गैलरी में बैठे बाकी कंटेस्टेंट को कहा, जितना मैंने बिग बॉस को चाहा है उतना किसी ने भी नहीं चाहा होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शो के पहले ही दिन प्रतीक ने स्टेज पर खुद भगवान भी बता दिया है और कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं शैतान हूँ और मैं ही कर्मा हूँ। रविवार को बिग बॉस ओटीटी का ग्रैंड प्रीमियर हुआ। करण जौहर शो को होस्ट कर रहे हैं। शो में फीमेल कंटेस्टेंट में सबसे पहली एंट्री शमिता शेट्टी की हुई और इन दिनों शमिता की फैमिली मुश्किल वक्त से गुजर रही है और उनकी जीजा और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा जेल में हैं और इस मुश्किल भरे दौर में परिवार को छोड़कर शमिता की बिग बॉस में एंट्री सभी को सरप्राइज किया। शो में एंट्री को लेकर शमिता ने कारण भी बताया। बिग बॉस में शमिता ने कहा कि सच कहूं तो बिग बॉस का ऑफर मुझे बहुत समय पहले आया था और मैंने कंटेस्टेंट की कमिटमेंट भी कर दी थी और उस वक्त फिर इतना कुछ हो गया और मैंने सोचा कि शायद इस वक्त बिग बॉस के घर के अंदर जाना सही नहीं होगा, पर कमिटमेंट कर दी थी तो मैं एक बार जो कमिटमेंट करती हूँ तो खुद की भी नहीं सुनती। लेकिन अब खबरें हैं कि शमिता ने एंट्री के कारण को लेकर झूठ बोला है। स्पॉट बॉय ने सोर्स के हवाले से लिखा कि शमिता ने शो में एंट्री को लेकर झूठ कहा। उन्होंने लास्ट मिनट पर शो के लिए अप्रोच किया गया था। शमिता को शो कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा लेने के लिए ऑफर नहीं हुआ था। शो के ऑन एयर होने से 4 दिन पहले एक्ट्रेस को घर में एंट्री के लिए कॉन्टेंट दिया गया था। वहीं राज कुंद्रा के बाद एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी पर भी मुसीबतें आ सकती हैं। लखनऊ में दर्ज धोखाधड़ी में एक मामले की जांच के लिए यहां से एक टीम मुंबई रवाना हुई है और ये शिल्पा और उनकी मां सुनंदा से पूछताछ कर सकती है। आरोप है कि आईओसी स्लिमिंग स्किन सैलून और स्पा वेलनेस सेंटर की ब्रांच खोलने के नाम पर दोनों की कंपनी के लोगों ने 2 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। पैसा लेकर भी एक्ट्रेस और उनकी मां ने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। न तो शिल्पा ब्रांच की ओपनिंग के दौरान वहां पहुंची और न ही उनकी कंपनी के लोगों ने कोई मदद की। अभिनेत्री मौनी रॉय जब भी साड़ी में नजर आती हैं फैंस के दिल को घायल कर देती हैं। इस बार उनकी ये तस्वीरें आती ही वायरल हो गई हैं। इन तस्वीरों में मौनी रॉय हरे कलर की बनारसी साड़ी में नजर आ रही हैं और खुले बाल और कानों में झुमके उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। इस लुक की चर्चा इस वजह से भी है क्योंकि उन्होंने साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं पहना है, लेकिन उन्होंने साड़ी इस तरीके से पहनी है कि कहीं से भी खराब नहीं लग रही है। ये तस्वीरें देखकर मौनी रॉय के फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे। मौनी रॉय हमेशा ही साड़ी में नजर आती हैं। पिछले दिनों जब वो आगरा ताजमहल पहुंची थी तो वहां भी उन्होंने साड़ी पहनी थी और इसमें उनकी खूबसूरती अलग से निखर कर सामने आ रही थी। टीवी सीरियल प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का रोल निभाने वाले कलाकार अनुपम श्याम का 63 साल की उम्र में निधन हो गया है। शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों के फेल हो जाने के कारण शनिवार को उनका अस्पताल में निधन हो गया और अनुपम श्याम लंबे समय से बीमारी के साथ आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे।
पिछले साल जब किडनी की समस्या को लेकर अस्पताल में भर्ती हुए थे तो उनके भाई अनुराग श्याम ने आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई थी। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले श्याम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मदद भी मुहैया कराई थी। फिलहाल के लिए एनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।